एक मैडम, ये माता वैष्णो देवी वाले कॉइन्स के बारे में क्या है? ये माता वैष्णो देवी वाला कॉइन एक यूनिक कॉइन है। अच्छा। इसको हम ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कब बिकेगा सर? हमारे घर पे आपकी टीम कब आएगी? कहाँ पे हम अपने कॉइन सेल कर सकते हैं? वो कौन से जो रेयर कंडीशन के हैं जिनका वैल्यूएशन लाखों में मिलता है? वो कौन से जो इस समय काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है? वो कौन से नोट हैं जिनकी अलग से वैल्यू मिलती है? क्या 786 वाले नोट भी बिकते हैं? क्या डबल 786 वाले नोटों की वैल्यू क्या होती है? स्टार वाले नोटों का क्या मामला है? ऐसे ही हजारों सवाल थे दोस्तों, आप ही के नहीं बल्कि हर एक आम इंसान के ऐसे सवाल होते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने आपको बताया भी होगा किस प्रकार से सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है। और आपको मैं बार बार कहता हूँ, हर एक जगह कॉइन्स एग्जीबिशंस होते हैं, मुद्रा प्रदर्शनी जो होती है, वहाँ पे जाइएगा, अपने कॉइन्स वगैरह आपको अच्छी वैल्यू में आसानी से वहाँ पे सेल कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे छटे हुए वो बायर्स मिलते हैं, वो कलेक्टर्स मिलते हैं जो दुनिया से डिफरेंट रहते हैं और रियल बायर्स मिलते हैं। तो दोस्तों आज इसी कड़ी में मैं आपको एक ऐसे नंबर देने वाला हूं जिसमें हो सकता है वो कॉइन्स वगैरह खरीद ले। दोस्तों बताया जाता है एक सोशल साइट के ऊपर कि हम घर आकर आपके कॉइन्स खरीदते हैं, क्या इनका प्रोसेसिंग है, कैसे ये कॉइन्स खरीदते हैं? तो मैं कॉल कर रहा हूं, जानेंगे। देखिएगा दोस्तों, मैं कॉल कर रहा हूं, क्या बताते हैं, कैसे खरीदते हैं, पूरा प्रोसेसिंग क्या है, ये मैं कॉल जा रहा है दोस्तों। नंबर भी देख सकते हो, नंबर मैंने लाइव कर रखे हैं। तो ये कॉल जा रहा है, बात करेंगे कैसे ये 786 वाला नोट खरीद लेते हैं। हम भी बात करेंगे, मैं आज इनको ये 1957 वाले सिक्के के बारे में पूछूंगा, माता वैष्णो देवी वाले के बारे में पूछा, मतलब। हेलो, हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, कॉइन्स वगैरह लेते हो? जी हाँ बिल्कुल लेते हैं। अच्छा, मतलब कौन कौन से कॉइन्स वगैरह, कहाँ से बात कर रहे हो? जी माय नेम इज कुमकुम कुमारी, आई एम फ्रॉम मुंबई कांदिवली। जो आपके पास पुराने नोट सिक्के हैं जो भी हैं, हम लेते हैं। एक बार आप उनकी कॉइन्स की जो भी है फोटो व्हाट्सएप में डालिए, चेक कराइए, आपका चलेगा या नहीं चलेगा, बिकेगा या नहीं बिकेगा, चेक करें, चेक करके हम आपको फिर बताएंगे। 1957 का 50 पैसे है? कोई नहीं, 1957 का बिल्कुल सेल हो जाएगा। मेरे को थोड़ा सा क्या है नॉलेज चाहिए, किस प्रकार से आप कॉइन्स वगैरह लेते हो, क्या इनका शेड्यूल रहता है? देखो हम जो है कस्टमर के घर पे आकर कॉइन्स और नोट कलेक्ट करते हैं। अच्छा, जहां पे कस्टमर रहता है। कॉइन्स वगैरह लेते हो? जी जी जी, हमारी टीम आती है। अच्छा, आपकी कलेक्शन वाली टीम आती है? हाँ हाँ हाँ। तो मैडम मतलब ऑल इंडिया में हर जगह आते हो, इंडिया से बाहर भी जाते हो? नहीं, इंडिया से बाहर का भी चलता है, और ऑल इंडिया, अगर इंडिया का ही है वो हम किसी भी जगह से उठा लाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैडम कैसे, मतलब आप जैसे मान लो मेरे पास 786 वाले नोटों की गड्डियां है, साथ ही 1957 वाले है। देखो हाँ बिल्कुल, 786 वाले जो है बिल्कुल सेल हो जाएंगे। जी जी, 786 की कोई सी भी नोट हो, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 500 की, 2000 की, 100 की, 200 की, सब चलेगी 786 वाली तो। अच्छा, एक मैडम ये माता वैष्णो देवी वाले कॉइन्स के बारे में क्या है? ये माता वैष्णो देवी वाला कॉइन एक यूनिक कॉइन है। अच्छा। इसको हम ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करते हैं। अच्छा, और माता वैष्णो देवी वाला कॉइन आजकल ट्रेंडिंग में है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये ट्रेंडिंग में है, तो ये मतलब यूनिक कॉइन्स है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साथ ही मैडम ये आप ये कलेक्शन करते हो माता वैष्णो देवी वालों का? जी बिल्कुल करते हैं, माता वैष्णो देवी वाला आजकल हम ज्यादा ही माता वैष्णो देवी वाला है आजकल ज्यादा कलेक्ट, हम वो ही कर रहे हैं, सेलिंग उसकी ज्यादा है अभी हमारे पास। और साथ ही मैडम ये ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में क्या बताना चाहते? जी जी बिल्कुल, हाँ ट्रैक्टर वाला नोट है, कितना भी पुराना नोट है चलेगा, उसका कंडीशन देख करके हम आपको जो है प्राइस बताते हैं। तो मैडम ये सभी मतलब आप इस समय के न्यू कंडीशन के और पुराने राजा महाराजाओं के टाइम के वो सभी कॉइन्स वगैरह कलेक्ट करते हो? जी बिल्कुल, पुराने कॉइन्स जो भी हैं कलेक्ट करते हैं, और आप हम उनकी एक बार सनी भी चेक कर लेते हैं, जैसे कि 1957 का है, 1996 का है पुराना कॉइन्स, जैसे जवाहरलाल नेहरू वाला, माता देवी वाला। एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि इन कॉइन्स का आप क्या करते हो आगे ले जाके? जी जैसे कि हमसे आप खरीदते हो उसके बाद इनका क्या किया जाता है?
मैं आपकी बात समझ रही हूँ। इन कॉइन्स को हम कलेक्ट करके इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उनमें से फिर यूनिक कॉइन्स छाटते हैं जो विदेश भेजने के लिए लायक होते हैं। उनको हम विदेश भेजते हैं, विदेश में इनकी काफी अच्छी प्राइस होती है। ये म्यूजियम में रखे जाते हैं, बड़े बड़े जो म्यूजियम होते हैं ना उनमें रखे जाते हैं। अच्छा मैडम, मतलब इंटरनेशनल जो म्यूजियम होते हैं उनमें रखे जाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े जो म्यूजियम होते हैं उनमें इन कॉइन्स को हम रखते हैं। जी तो मैडम, ये आपने आपकी सबसे आज तक कितना कलेक्शन कर लिया और आने वाले समय में कितना कलेक्शन करने का विचार कर रखे हो? जी अभी तक हमने काफी कलेक्शन कर लिया है। हम कम दिन में काफी कस्टमरों को कॉल आते हैं तो ऐसे अंदाजे नहीं लगा सकते, बट अभी तक मैंने काफी कलेक्शन कर लिया है और आगे भी ऐसे ही जो है हम करते रहेंगे कलेक्शन। साथ ही मैडम, आपके जो कलेक्शन वाली टीम है उसमें लगभग कितने लोग काम करते हैं, कैसे हैं? जी को देखो, कलेक्शन टीम में तो वैसे तो काफी लोग हैं, बट एक डीलिंग करने के लिए जैसे कि सामने वाले कस्टमर के घर पे 4 से 5 बंदा जाते हैं अमाउंट लेके। अच्छा हेलो मैडम, मतलब आप ये बता रहे हो मतलब ऑल इंडिया में हर एक जगह से ले आओगे वो कॉइन्स? तो जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई सा भी जिला हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, बांग्लादेश हो, सॉरी बांग्लादेश नहीं, बैंगलोर, कर्नाटका, कहीं से भी हम जो है कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो अच्छा मैडम, सिक्किम है। मैडम मैं क्या है, एक यूट्यूबर हूँ ट्री इवेंट से, रोहित। अच्छा तो मैडम मेरे को एक ये बताइए कि क्या मेरे, क्योंकि काफी सब्सक्राइब लोग जुड़े हैं मेरे, आसाम से भी जुड़े हैं, साथ ही नेपाल से भी जुड़े हैं, तो क्या आप नेपाल तक आपकी कलेक्शन वाली टीम पहुंच जाती है? जी जी, इंडिया इंडिया के आसपास जो अपना रहता है तो उससे तो हम कलेक्ट कर लेते हैं, बट जैसे कि अनेक देश हैं इस दुनिया में, तो अनेक जो दूर होते हैं जाने का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो ज्यादा दूर के हम इतना कलेक्ट नहीं कर पाते। जैसे कि अपना जो आसपास वाले देश हैं उनसे हम आजकल कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैडम साथ ही जैसे कि आप बता रहे हो कांदी वाली के अंदर, तो अगर कोई आपसे वहां आके देना चाहे तो क्या आप ले सकते हो, वैसा है सिस्टम? जी बिल्कुल, देखो मेरी बात सुनो, कांदी वाली के अंदर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि उधर आने में ठीक है, आता है एक कंपनी के अंदर टाइट सिक्योरिटी होती है, अमाउंट का मामला होता है कंपनी के अंदर, काफी अमाउंट होता है और अमाउंट हम उधर किसी बंदे को नहीं देते हैं। सर आजकल आपको भी पता है पैसे के लिए आजकल कोई कुछ भी कर सकता है, इसके लिए हम उधर अमाउंट नहीं दे पाते हैं। उधर मान लो कुछ किसी के साथ कोई ऊंच नीच हो जाए तो इसके लिए हम नहीं देते हैं कंपनी में अमाउंट। जी 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 मैडम, आपका नाम? माई नेम इज कुमकुम कुमारी जी, मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ। बट नंबर है क्या, मैं पब्लिक कर सकता हूँ लोगों के लिए? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अच्छा साथ ही मैडम, ये जो इस समय काफी ज्यादा संख्या के अंदर ये कॉइन्स एग्जीबिशंस भी अलग अलग राज्य में हो रही है? जी तो, बिल्कुल, कॉइन्स कलेक्शन अलग अलग राज्य में हो कर लेते हैं हम। नहीं, एग्जीबिशन होती है मुद्रा प्रदर्शनी, क्या आपकी कलेक्शन वाली ये जो आप टीम बता रहे हो या क्या एग्जीबिशन भी मिलती है? जी एग्जीबिशन में मिलती है, अगर कोई ठीक ठाक एग्जीबिशन लगता है तो हम उसमें मिलते हैं, अगर जाने में कोई प्रॉब्लम होती है, टाइम नहीं रहता है, तो हम नहीं जाते। ये आने वाले समय के अंदर मुंबई में कॉइन्स एग्जीबिशन है, तो आपके आइडिया से क्या आपके द्वारा कोई कलेक्शन वाली टीम वहाँ पे रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। तो आपकी कलेक्शन वाली टीम का क्या नाम है? हमारी कलेक्शन की टीम काफी होते हैं, काफी बंदे रहते हैं कलेक्शन टीम में, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कंपनी के अंदर एक ही कस्टमर का डीलिंग होता है एक दिन में। नियम तो होगा आपके कलेक्शन वाली जो है, जैसे कि अमित कुमार, देखो अमित कुमार है, विकास पांडे है, अर्जुन जी है, काफी लोग हैं, एक नाम नहीं, कोई ऐसा यूनिट होगा या फिर कोई आपका कोई ऐसा जो कोई जैसे प्रोग्राम सेट होता है या कुछ नाम तो अलग से रखा होगा ना आपके संगठन का, कुछ भी मान लो अपना कंपनी का नाम तो SNS कॉइन शॉप है, SNS कॉइन शॉप का अपना कलेक्शन, SNS कॉइन शॉप मुंबई। अच्छा SNS कॉइन शॉप, हाँ हाँ, यानी मैंने काफी एग्जीबिशंस अटेंड किए हैं, तो मैंने जहाँ पर देखा काफी जगह एग्जीबिशंस के अंदर भी SNS के वो स्टॉल लगे होते हैं। जी बिल्कुल, अपने लगे होते हैं, अपना एड्रेस है प्रॉपर, शॉप नंबर 8 रघु लीला मॉल, 2nd फ्लोर, मुंबई कांदी वाली, पिन कोड 4067। अच्छा अच्छा, मतलब ये आपका वहाँ का पूरा एड्रेस है जो आपका शॉप है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, SNS इन्वेस्टमेंट गैलरी के नाम से आप गूगल पे अपना कंपनी भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैडम साथ ही ये जो आपने ये पूछना चाहता हूँ कि लोगों के पास काफी कॉइन्स है, तो आप सब लोगों के कर लोगे या किसी किसी के ही करते हो, कुछ स्पेशल कॉइन्स होते हैं? देखो देखो
कुछ लोग जो है कंपनी के रूल नहीं फॉलो करते हैं तो हम उनकी नहीं कर पाते हैं, जो कंपनी के रूल फॉलो करते हैं तो हम उनका बिल्कुल करते हैं। अच्छा अच्छा हाँ। मैडम एक बार आपका नाम बता दीजिए हमारे सब्सक्राइब को भी, क्योंकि हम आपके नंबर पब्लिक करने वाले हैं, नंबर बताने वाले हैं, काफी कॉल जी। बिल्कुल 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 सर, मैं आपको बता देती हूँ, मेरा नाम कुमकुम कुमारी है। मैं प्रॉपर जो है मेरा एड्रेस तो प्रॉपर दिल्ली का है, अम्बेडकर से हूँ, अम्बेडकर नगर से, बट अभी जो है मुंबई में मैं जॉब कर रही हूँ। अच्छा अच्छा हाँ। तो मैडम इस नंबर पे कॉल आप ही उठाओगे जब हमारे लोग कॉल करेंगे तो? जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मैं इसी नंबर से जो जिसका भी कॉल आएगा हम कस्टमर से बात करेंगे और कॉल अटेंड करेंगे, और जो कंपनी के रूल को फॉलो करता है उसका हम डीलिंग भी कराएंगे। जी जी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमारे लिए, कुछ टाइम निकाला। थैंक यू सर, हम तो देखो कोई कस्टमर को हम अपना टाइम देते हैं, कस्टमर के लिए ही हम बैठे हैं इधर। जी जी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, नमस्कार। तो दोस्तों आप देख सकते थे SNX कॉइंस कंपनी जो मुंबई के कांदीवाले में स्थित है, तो वहाँ से किसी से बात हुई है, कुमकुम कुमारी अपना नाम बता रहे थे। तो ये कॉइन्स खरीदते हैं, अब क्या शेड्यूल है इनसे आप बात कर सकते हो। आज हमने थंबनेल के ऊपर वो नंबर भी दिखाए हैं। दोस्तों फ्रॉड से सावधान रहना, मैं बार बार कहता हूँ आपको, हर एक बार कहता हूँ फ्रॉड से आपको सावधान रहना है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन की जितनी भी हदें पार करनी होगी मैं हर एक चीज़ वो खोज के ले आऊँगा। तो आज आपके लिए ये नया ऑफर लेके आया हूँ। आज किसी मैडम से बात हुई है, SNX कॉइंस गैलरी, कुछ इन्वेस्टमेंट गैलरी के नाम से कोई कॉइन शॉप है कांदीवाली के अंदर, सेकंड फ्लोर बता रहे हैं, अपना पूरा एड्रेस इस वीडियो के अंदर दिया है, तो आप बात कीजिएगा। अगर आपके कॉइन्स वगैरह सेल हो जाए तो हमारे कमेंट सेशन में जरूर बताएगा। फिर साथ ही दोस्तों मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, फ्रॉड से सावधान रहना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ, और भी अच्छी जानकारी के साथ और अच्छे कलेक्टर्स के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम।